फ्रेंड्स, गरिमाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंडेंस मिल्क या तो हम मार्केट से खरीदते हैं या फिर उसे घर में बनाने के लिए मार्केट से फिर से दूध खरीदते हैं, पर आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ उसमें हम लोग ना तो दूध खरीदेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क खरीदेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें घर में कंडेंस मिल्क बनाना है। तो ये मैंने 10 से 12 दिन की मलाई ले ली है। मेरे घर में अमूल का पैकेट वाला दूध आता है, फुल क्रीम, उसी की ये मलाई है। 10 से 12 दिन की है ये। तो इसे हम लोगों को पहले रूम टेम्परेचर पे रखना है और उसके बाद ये देखिए ये इस तरीके से हो जाएगी, थोड़ी नरम पड़ जाएगी। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये बड़ा बर्तन ले लिया है मैंने और इसमें हम ये सारी मलाई डाल देंगे। मैं डाल देती हूँ इसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी मलाई एक बड़े बर्तन में निकाल ली है। अब हम इस इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसे बीट करेंगे। कम से कम 2 मिनट के लिए हमें बीट करना है इसे। और यहाँ मैंने एक बॉटल ठंडा पानी ले लिया, ये तकरीबन 1 लीटर है। इस बॉटल का पानी हमें इसमें डालना है क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं ठंडा पानी ले रही हूँ। आप अपने घर अपने यहाँ मौसम के अकॉर्डिंग पानी बदल सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो मैं इसे बीट कर देती हूँ 2 मिनट के लिए और अब हम इसमें ये ठंडा पानी डाल देंगे। आधा आधा करके डालेंगे हम इसमें पानी। थोड़ा पानी और डाल देंगे। हमें तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट तक बीट करना है और इसमें हमारा मक्खन सेपरेट हो जाएगा। तो मैं इसे 3 मिनट तक बीट किया है और कितना अच्छा मक्खन निकल गया है। अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे हमें हाथों की ही मदद से निकाल के जिस कढ़ाई में हम लोग घी बनाने वाले वहाँ पे डाल देना है इसे। तो मैं इसे शिफ्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से सारा हमें शिफ्ट करना है। मैंने इस मिल्क में से सारा जो बटर है वो सेपरेट कर लिया है। अब कुछ बटर मुझे अपने घर के यूज़ के लिए चाहिए तो मैं इसे यहाँ निकाल देती हूँ। ये वही कटोरा है जिसमें हमने मलाई रखी थी, हमें ज़्यादा बर्तन बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ थोड़े से अमाउंट में बटर निकाल लिया है, पर बटर सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगा, इसे हमें ठंडे पानी से वॉश करना पड़ेगा। तो इसे तो अभी हम रख देते हैं वॉश करने के लिए और आगे का प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। ये जो बटर है हमारे पास, इससे हम लोग घी बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा पानी और रिलीज हो रहा है इसमें से, तो हम इसे निकाल देंगे। आइए, इसे हम लोग गैस पे रखेंगे। अब फ्रेंड्स, ये बटर को मैंने यहाँ गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम इसे धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे और इससे हमारा घी निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो दूध बचा था उसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और ये बिल्कुल तेज आंच पे रखना है आपको, कंटिन्यूसली इसे चलाना है, इसी से हमारा कंडेंस मिल्क बनेगा। यहाँ मैंने 100 ग्राम तक चीनी ली है, उसे हम अभी से ही इस मिल्क में ऐड कर देते हैं। इस मिल्क को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, जरा भी देर के लिए छोड़ना नहीं है वरना ये मिल्क नीचे चिपक जाएगा। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। हमें कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक चलाना है, इस मिल्क को रिड्यूस करके 1/4 कर देना है, इतनी देर तक हमें इसे चलाना होगा। तो मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ चलाना। मैंने इसे अच्छे से ठंडे पानी से धो लिया है और कुछ बर्फ के टुकड़ों के साथ रख देने से ये अच्छे से टाइट हो जाता है। तो मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ और इसे स्टोर करके रख देंगे इस तरीके से। इसको आप जैसे चाहे वैसे शेप में ले सकते हैं। मैं एक कंटेनर में डाल देती हूँ। तो हमारा बटर बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमारा कंडेंस मिल्क बन रहा है, इसे कंटिन्यू में चलाना है और यहाँ पर हम लोग घी बना रहे। तो देखिए आप, कुछ ही दिन की मलाई से हम 3 प्रोडक्ट बना के रेडी कर रहे हैं, जो कि तकरीबन मार्केट में 1000 रुपये तक का मिलेगा। अगर आप कंडेंस मिल्क को देखिए, घी को देखिए और बटर को देखिए, तो इन सबका मिला के 1000 रुपये होता है और घर में हम लोग इसे फ्री में बना सकते हैं। तो जैसे ही ये रेडी हो जाता है मैं आपको बताती हूँ फिर। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दूध रखा था गाढ़े होने के लिए, तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये 1/4 हो चुका है। अब हम इसमें
आधा चम्मच सोडा डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे। देखिए सोडा डालते ही इसमें उबाल आने लगा है और इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है, तो 5 मिनट और पका देंगे और फिर हमारा कंडेंस मिल्क बन के रेडी है। देखिए दोस्तों हमारा कंडेंस मिल्क बन के रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मैं इसे हमारे तीनों चीज़ें बन के रेडी है, हमने बटर बना लिया है इसे और ये कंडेंस मिल्क बना लिया है और घी भी हमारा रेडी है। तो हम लोगों ने 10 दिन की मलाई से 3 प्रोडक्ट बना के रेडी किए। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।